Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to within a new vlog. It's a Eid vlog. तो आज का vlog करते हैं start. तो ready हो गए हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, निकलते हैं और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं कि क्या शेड्यूल है आज का. इंशाल्लाह जी सूफी साहब खुशगवार मौसम. ईद मुबारक जी. ठंडा साहब रेडी हो गए ने. हाँ जरूर क्यों नहीं, माशाल्लाह. हाँ तो पैकेट एक रेड रेड नोटा वाली. अच्छा जी तैयार हो गए हैं और अब ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं. तो आपको दिखाते हैं क्या सब. ये देखें जी भाईजान भी रेडी हो गए, मस्जिद में लोग आ रहे हैं साथ साथ. तो चलते हैं नमाज. आप जय साहब साफ कर लगे जरा मास्टर. माशाल्लाह ईद की नमाज पढ़ने के बाद घर आ गए हैं और अब सब फैमिली मेंबर्स के लिए खाना बना रहे हैं. तो देग आ गई है, शरीफ साहब भी आ गए हैं और सामान लिख रहे हैं फिर खाना बनाते हैं. हाँ जी आगे अली भाई की लिख रहे हो यार. देग पकानी है, खैर मर देग पकानी है तो सामान लिख रहे हैं. अच्छा अच्छा चलो. गोश्त आ गया, ये देखिए गोश्त आ गया. तो अब देग बनाते हैं और जो रूटीन है फिर आपको दिखाते हैं. बच्चा पार्टी को ईद तकसीम कर रहे थे, उसके बाद शेख अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया. क्यों शेख साहब ईद मुबारक. तो अब चलते हैं जी शज़ेब की तरफ. तो उसे भी जरा ईद मिलने क्योंकि ईद ही ना मिली है हमने. नहीं उससे तकरीबन नहीं मिली. तो हम आ गए हैं शदेव की तरफ. हाँ जी आप किधर थे सुबह से, कोई ईद मुबारक भी नहीं आपने बोल लिया. जी इधर ही थे, नींद आई हुई है मुझे बहुत ज्यादा. बैठे ना जी. तो व्यूअर्स ईद चल रही है और इंशाल्लाह जी हम अपने कजन्स का दिल की था ग्राइयों से इस्तकबाल करते ईद मुबारक. ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद ले आओ, ईद ले आओ, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक. माशाल्लाह जी माशाल्लाह ईद मिलन पछाड़े पिल्ले ने ईद मिले नहीं जे. ईद मुबारक बोलियो चलो. यारा कैमरा मैन ही कैमरा मैन जी. अपना अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आप ईद पे गांव आके आपने ईद की है. लेट लाइट पहुंची है बहुत. 12-1-2 बज गए जी जी.
आगे आपने आपने बताया ही नहीं, आप मुझे बताते तो मैं भी आपने आप ही तो होते हैं गोभी जी जी सबको इंटरटेनमेंट करते हैं स्पीकर पे निकलते हैं। आज है ईद का फर्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बोनसाई पे। मेरे कज़न आए हुए हैं लाहौर से, तो आपको दिखाते हैं आज का गेट टुगेदर क्या कर रहे हैं, आज की रूटीन दिखाते हैं। ले जी हम जा रहे हैं जी ऑन दी वे, तो फिर आपको जी। तो हमारे गांव से गोजरा सिटी का तकरीबन कुछ 10-15 मिनट का सफ़र है, तो हम जा रहे हैं तो फिर आपको दिखाते हैं जी। तो हम आ गए हैं बोन साहिब। क्यों जी बिलावल किधर आ गए हैं? बोन साहिब। तो कौन सा पिज़्ज़ा आप पसंद करते हैं? पनॉर्मस। तो अब हम ज़रा ऑर्डर दे लें पिज़्ज़े का, आपको खा के दिखाते हैं कि क्या टेस्ट है। रमज़ान मुबारक की वजह से उन्होंने लगाया हुआ है कि हमारी टाइमिंग कुछ और थी। माशाल्लाह जी ईद मुबारक हो, बड़ी बड़ी खैर मुबारक जी। मेहमान बहुत सारे आ गए हैं, तो फिर अब खाना स्टार्ट करते हैं। चाचू का वेट है, वो आ रहे हैं। अली भाई आपको भी ईद मुबारक जी। तो आजी साहब का इंतजार था, वो आ गए हैं, तो अब खाना स्टार्ट करते हैं। जी तो अली भाई किस टाइम देर किस बात की है, मेहमान सारे रेडी हैं भाई? 5 मिनट का काम है। अभी तक खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ? वो दूसरी देगा, पहली देख चले। अच्छा पहली जो चल गई है वो दूसरी दे। अपना भैया जरा दिखाए ना अंदर क्या सीन है। माशाल्लाह ये दूसरी देगा भाईजान, पहले वाली ये क्या बन क्या रहा है? ये मटन। क्या बात है, तो कितनी देर रह गई है? 10 मिनट सर। तो चले मेहमान आ गए हैं, तो जरा खाना स्टार्ट करवाएं ना। लाजम सर आपकी मोहब्बत के लिए भी खाना स्टार्ट हो जाए। सर मैं आपकी नवाजिश है ना, हाजी साहब लेट कर रहे थे, हाजी साहब भी आ गए हैं। बस अभी मैंने तो कॉल करके स्पेशली कहा, मैंने कहा हाजी साहब आ जाएं। बस 5 मिनट का अली चीमे ने साडा खाना ढके आज। सर सर ये तो भी बस मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी फैमिली के साथ खाना स्टार्ट। लवो लवो तो सर अहमद इधर रोटी नहीं जी। तो खाने से फ्री हो गए हैं, और एक एक सैड न्यूज़ है कि हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त सेक्रेटरी बाहर अली रज़ा मौला साहब के वाले साहब की डेथ हो गई है। तो अब उनका जनाजा पढ़ने के लिए निकलने लगे हैं, 5:30 बजे इनका जनाजा है, तो निकलते हैं जनाजा पढ़ते हैं। तो आ जाओ भाई साहब, चलिए टाइम में बड़ा थोड़ा शॉर्ट रह गया नहीं बस। कितने मिनट कब जाना है अम्बा साहब? 5:30 बजे जनाब। बड़ा अफसोस हुआ है, वाला साहब बड़े अच्छे आदमी है। वाला साहब ना बीमार थे पहले ही ना, तो अचानक मुझे तो शराज की कॉल आई है कि वो ना इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। ला लो जा
جنازہ پڑھ لیا تو اب نکلتے ہیں واپسی گھر کے لیے. گیا جی سیکٹری صاحب کا گاؤں, نکلتے ہیں واپسی. جی تو آج ہم پھر آ گئے ہیں گوجرا, تو اچانک سے حاجی صاحب کا دل کر پڑا آئس کریم کھانے کے لیے. کیوں حاجی صاحب آئس کریم کھانے کو دل کر؟ اپنی خوشی سے آپ کو آئس کریم کھلا رہے ہیں, آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, تو راشی بہت زیادہ. کیا بات ہے جی, شہر یار آئس کریم حاجی صاحب نے ہمیں آئس کریم کھلا دیا جی, بڑی گاشی کروا دیا. کیوں حاجی صاحب اتنی آئس کریم کھا کے؟ یہ چیزیں پھر ضروری ہے نا. اچھا اچھا جی, کیا بات ہے سر. آئے تو یہ شور سو آتا ہے. ہاں گوجرا کی شہر یار آئے کر. کیا بات جی, تو اب آ گئے ہیں گھر. اور آج عید کے فرسٹ ڈے کی جو روٹین تھی آپ کے ساتھ شیئر کی, تو آج کا ولاگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ سیکنڈ ڈے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.